नमस्कार, मैं प्रिया। आज 24 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आईबीपीएस द्वारा निकाली गई 2557 क्लर्क पदों की रिक्तियां। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल द्वारा क्लर्क पदों के लिए पहले निकाली गई नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू होने वाले हैं। उम्मीदवार 23 अक्टूबर 2020 से क्लर्क के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिन भी उम्मीदवारों ने 2 सितंबर से 23 सितंबर को आवेदन नहीं भरा है, वो आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2020 के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पंजाब और सिंध बैंक के साथ साथ और भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश भर के विभिन्न बैंकों में कुल 2557 रिक्तियां उपलब्ध है। बोधगया के पर्यटन स्थल द ग्रेट बुद्ध प्रतिमा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। द ग्रेट बुद्ध प्रतिमा बिहार के बोधगया में बौद्ध तीर्थ और पर्यटन मार्गों के कई पड़ावों में से एक है। मूर्ति 19.5 मीटर ऊंची है, जो खुली हवा में एक कमल पर ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। निर्माण की कुल ऊंचाई 80 फीट है, जिसमें से बुद्ध 65 फीट, कमल जिस पर बुद्ध 6 फीट और फिर निचले पैदल पर 10 फीट बैठते हैं। प्रतिमा को वी गणपति स्थपित ने डिजाइन किया था और 12,000 स्टोन मेसन के श्रम का उपयोग करने के लिए 7 साल लग गए, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट ब्लॉक के संयोजन से किया गया है। मूर्ति के अंदर एक खोखला सर्पिल सीढ़ी जमीन के अंदर तक जाती है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों से बिहार आएंगी बसें। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जल्द ही बसों की सेवा शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस समझौता के बाद दोनों राज्यों के बीच बस परमिट, रूट, किराया और समय सारिणी तय कर ली गई है। लखनऊ समेत यूपी के 5 जिलों से बिहार के बीच प्रयोग के तौर पर बसों का संचालन 21 अक्टूबर से शुरू करवाया जा चुका है, जिसके बाद अब बस कुछ ही दिनों में संचालन की समीक्षा करके स्थायी रूप से बसों का संचालन किया जाएगा। छात्रा को परेशान करना, यात्री को पड़ा महंगा, यह वाक्य राजधानी पटना का है, जहां महानंदा एक्सप्रेस की एसी बोगी में छात्रा को परेशान करने की कोशिश कर रहे युवक पर ही भारी पड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार पटना से ट्रेन खुलने के बाद छात्रा को एक युवक ने परेशान करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रभावित ने चलती ट्रेन से फोन करके कॉल सेंटर को इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद उस युवक को बख्तियारपुर स्टेशन पर उतार लिया गया। हालांकि उस युवक के बैग में तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। युवक के पास से पुलिसकर्मियों को कुल मिलाकर 57,96,150 रुपए मिले। हालांकि इस युवक ने अपने आप को कारोबारी बताया है। कोरोना का बहाना बनाकर भाग रहे कर्मचारी पर सख्ती के आदेश। कोरोना के माहौल में ही बिहार में विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन को लेकर पटना जिला प्रशासन भले ही सख्ती दिखा रही हो, लेकिन चुनाव ड्यूटी से भागने वाले कर्मी पहले ही मैदान छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। यह मामला कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा है, जहां 20 अक्टूबर को प्रशिक्षण सत्र 32 कर्मी गायब रहे थे, जिन पर अब विभागीय सख्ती दिखाए जाने की तैयारी हो रही है। पटना के जिन कर्मियों को प्रशिक्षित कर चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, उनमें कई कर्मचारी तो कोरोना पॉजिटिव का बहाना बनाकर प्रशिक्षण से गायब हो रहे थे। ऐसे में 32 कर्मचारियों की सूची जिलाधिकारी को हाथ लगते ही ऐसे कर्मचारियों का जांच करवाने की बात कही गई है। बिहार में कोरोना प्रभावितों के मिले 1,093 नए मामले। बिहार में संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन फिर भी प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,093 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,10,389 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो इसमें अररिया में 20, अरवल में 4, औरंगाबाद में 42, बांका में 12, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 31, भोजपुर में 13, बक्सर में 7, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 30, गोपालगंज में 44, जमुई में 30, जहानाबाद में 37, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 9, किशनगंज में 30, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 32, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 96, नालंदा में 78, नवादा में 33, पटना में 229, पूर्णिया में 49, रोहतास में 13, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 14, सारण में 16, शेखपुरा में 11, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 10, सुपौल में 36, वैशाली में 11, पश्चिम चंपारण में 18। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 1,98,437 पर पहुंच गई है। वहीं 1,034 लोगों की जान अब तक जा चुकी है।
बिहार एसटीईटी रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिहार में एसटीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम सूचना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार एसटीईटी के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है, जिससे छात्रों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इस तारीख तक रिजल्ट की घोषणा नहीं की जाएगी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 सदस्यीय समिति बनाकर प्रश्न की जांच करवाई जाए। सीबीएसई कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों की होगी काउंसलिंग। सीबीएसई ने सभी छात्रों के लिए हाल ही में छात्र छात्राओं के लिए मेंटल हेल्थ मैनुअल जारी कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों को मानसिक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें मेंटल हेल्थ से जुड़े कई चैप्टर को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसमें छात्रों को अलग अलग तरीके से मानसिक स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी। इसमें छात्रों को स्कूल स्तर पर मेंटल हेल्थ की जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके लिए स्कूल में नए एजुकेटर भी रखे जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे पद्मश्री मोहन मिश्रा की। मोहन मिश्रा का जन्म 19 मई 1937 को भारतीय राज्य बिहार के मधुबनी जिले के कोइलख में हुआ था। अपनी चिकित्सा साख हासिल करने के बाद डॉक्टर मिश्रा ने 1962 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहां वो 1995 तक जारी रहे थे। डीएमसीएच में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एमआरसीपी को सुरक्षित करने के लिए 1970 में एक सबैटिकल भी लिया था। 1979 में मिश्रा जनरल मेडिसिन के प्रोफेसर बन गए थे। एफआरसीपी की एक और उच्चतर डिग्री 1984 में एडिनबर्ग में 1984 में प्राप्त उन्होंने की थी, और दो साल बाद 1986 में वो डीएमसीएच में जनरल मेडिसिन विभाग के प्रमुख बने। मोहम्मद मिश्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओरेशन अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके साहित्यिक कार्यों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक इंडिया थ्रू एलियन आईज ने 2012 में विशिंग सेल्फ अवार्ड जीता था। भारत सरकार ने भी उन्हें उनके काम के लिए साल 2014 में गणतंत्र दिवस के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया था। कोरोना का असर दिखा चुनावी हेलीकॉप्टर पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पर नजर आ रही है। यह चुनाव कोरोना के माहौल में आयोजित करवाए जाने वाला पहला चुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर आयोग ने भी कई दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। तमाम दलों के स्टार प्रचारकों की रैलियां भी सीमित कर दी गई हैं। इस बार चुनाव में रैलियों की संख्या घटने का सीधा असर हेलीकॉप्टर के व्यवसाय पर पड़ा है। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में हेलीकॉप्टर की मांग घट गई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर बुक किए हैं, जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की मांग पर 25 हेलीकॉप्टर मंगवाए गए थे। वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 32 हेलीकॉप्टर की डिमांड थी। मुजफ्फरपुर की बेटी भारतीय नौसेना के समुद्री टोही मिशन के लिए हुई तैयार। मुजफ्फरपुर के निवासी लेफ्टिनेंट शिवांगी सहित भारतीय नौसेना की 3 महिला पायलटों का पहला जत्था डॉर्नियर विमान के जरिए समुद्री टोही मिशन के लिए तैयार हो गया है, जिसके तहत बीते दिन रक्षा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि इन महिला पायलटों को नौसेना के दक्षिणी कमान ने डॉर्नियर विमान के माध्यम से कार्य को अंजाम देने का दायित्व सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तीनों महिला पायलट 27वें डॉर्नियर परिचालन उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से जुड़े 6 पायलटों में शामिल थी, जो बीते दिन आईएनएस गरुड़ पर आयोजित पार्सिंग आउट समारोह के बाद संबंधित पाठ्यक्रम में पूर्ण स्नातक हो गए हैं। वहीं मौके पर पायलटों को पुरस्कृत भी किया गया, जो अब सभी अभियानों के लिए डॉर्नियर विमान उड़ाने के पूर्ण रूप से निपुण हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से शुरू किया प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। वहीं सभी राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लग चुके हैं। सभी स्टार प्रचारक बिहार दौरे पर हैं। वहीं सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर कन्हैया कुमार भी बीते दिन से चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और युवा नेता कन्हैया कुमार भी चुनाव प्रचार की शुरुआत बेगूसराय से कर चुके हैं, जिसके बाद अब कन्हैया कुमार 31 अक्टूबर तक प्रचार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन से शुरू किया चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उन्होंने अपनी जनसभा की शुरुआत सासाराम जिले से की थी, जहां उन्होंने भीड़ का अभिनंदन भोजपुरी में किया। वहीं उन्होंने आयोजित जनसभा में बिहार के दो नेता रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं उन्होंने गया रैली में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पति पत्नी के राज में 90 के दशक में बिहार के लोगों को काफी ज्यादा आहत किया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की जनता से साफ कहा कि अगर विरोध अवरोध को जरा भी मौका दिया गया तो बिहार की गति और प्रगति धीमी पड़ जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में लोकल फॉर वोकल की बात को भी दोहराया।
चुनाव के मैदान में प्रचार करने उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जहां बीते दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जनसभा की शुरुआत कर दी है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीते दिन से अपने जनसभा की शुरुआत की, जहां विपक्ष के चुनावी जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक साथ एक मंच में महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की मांग की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दे कि सीमा से चीनी सैनिकों को कब बाहर फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जब चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ले ली, तब चीन हमारी जमीन के अंदर आया तो हमारे प्रधानमंत्री ने वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिन्दुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। आज कहते हैं कि मैं सिर झुकाता हूं। कुशवाहा के साथ प्रचार करने उतरी मायावती भी। बिहार में शुक्रवार का दिन रैलियों का था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी मैदान में नजर आई, जिसके तहत उन्होंने भी बीते दिन चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी, जहां मायावती ने ग्रैंड यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवारों के लिए वोट की मांग की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मायावती उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगने के लिए भभुआ पहुंची थी, जहां वो नीतीश कुमार और महागठबंधन के शासन पर खूब बरसी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों को प्राइवेट तरीके से किया जा रहा है, इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई है, 15-15 साल एनडीए और राजद की सरकार रही लेकिन रोजगार का काम नहीं किया, लेकिन अब चुनाव आया है तो 10 लाख तथा 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की तरफ से रामविलास पासवान को याद करने पर जताया आभार। सासाराम में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को याद किया। यहां उन्होंने रामविलास पासवान के आखिरी सांस तक भाजपा के साथ काम करने की बात कही, जिस पर चिराग पासवान ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं, यह कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे मुझे भावुक कर गया, एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है, पापा के प्रति प्रधानमंत्री का स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा, प्रधानमंत्री का धन्यवाद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन से बिहार चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बिहार नहीं चलने की कही बात। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से अपनी जनसभा की शुरुआत की, वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं दिखे। नवादा के हिस्सा में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मां दुर्गा की पूजा की है, कलश स्थापना की है, सीएम बनते ही मैं पहला कदम चलाऊंगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम ठेठ बिहारी हैं और हमारा डीएनए भी ठीक है, 15 साल में इस सरकार ने तो रोजगार को भी बेरोजगार कर दिया है, जिस सरकार ने 15 साल काम नहीं किया उन्हें अब आने वाले 5 साल क्यों दे जनता, नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। मिर्जापुर 2 के कालीन भैया ने वोटिंग के लिए किया खास मैसेज। अमेजॉन प्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर 2 को लेकर जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है, हर किसी की जुबान पर बस मिर्जापुर 2 का ही नाम सुनने में मिल रहा है। वहीं मिर्जापुर के कालीन भैया पंकज त्रिपाठी ने भी चुनाव को लेकर खास मैसेज भेजा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हर बूथ को मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा, केंद्रों की एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर लगा रहेगा, मतदान केंद्रों में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर साबुन पानी और सैनिटाइजर दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास सर्किल होंगे, बूथ पर मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने जिम्मेदारी और बुद्धिमानी से वोट डालने की अपील की है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के 2 घोड़ों पर सवार होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भी राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अपना बयान जारी किया है और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी रैली में लोजपा का उल्लेख नहीं किया, वो एक बार में 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक पर वो बिहार का शासन करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, एक स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है और नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है। तेज प्रताप यादव का दिखा एक बार फिर से अनोखा अंदाज। जितनी सुर्खियां चुनाव बटोर रही है उतनी ही ज्यादा सुर्खियों में तेज प्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने साइकिल से वोट मांगकर सुर्खियां बटोरी थी, वहीं अब उन्होंने बांसुरी बजाकर लोगों से वोट देने की अपील की है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने बीते दिन समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज में नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का काफिला किसी गांव से गुजर रहा है, जहां तेज प्रताप यादव बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। मांझी ने राहुल तेजस्वी की जनसभा पर कसा तंज। एनडीए से हाथ मिलाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी एक भी मौका नहीं छोड़ते विपक्ष और खासकर की राजद परिवार को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से
राहुल और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के खजाने को लूटने का सपना ये दोनों घोटालेबाज देख रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें कोई मौका नहीं देने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि देश को लूटने वाले दो बड़े साजिशकर्ता बिहार के खजाने को भी लूटने के फिराक में है। सरकार बन नहीं रही है, अभी भी वो लोग यही सपना देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल में रहकर किस तरीके से बिहार को लूटना है। भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को आया दिल का दौरा। भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार महान क्रिकेटर कपिल देव के सीने में तेज दर की शिकायत के बाद दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में गुरुवार की देर रात भर्ती उन्हें करवाया गया था, जहां उनको इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी की गई। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कपिल फिलहाल आईसीयू में है और डॉक्टर अतुल माथुर और उनकी टीम की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि कपिल की हालत स्थिर है और कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। अब व्हाट्सएप पर फालतू मैसेज आपको नहीं करेंगे परेशान। आज के समय में व्हाट्सएप एक बेहतरीन माध्यम है सगे संबंधियों से जुड़े रहने का। वहीं अब व्हाट्सएप ने अपने नए फीचर को जारी किया है, जिसकी मदद से आप अपने रिश्तेदारों और परिवार के कई लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इनमें से कई बार आपके ग्रुप्स पर काफी मैसेजेस आते हैं, जिनके नोटिफिकेशन आपको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। साथ ही कई सारे लोग पर्सनल तौर पर कुछ मैसेज भेजते रहते हैं, जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। ऐसे में व्हाट्सएप ने अब नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत अब आपके पास चैट को म्यूट करने का समय हमेशा के लिए उपलब्ध होने वाला है, जिससे अब आपको अपने ग्रुप को हर साल म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप किसी भी ग्रुप या यूजर को हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,150 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,150 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। शाहिद कपूर के कवर शॉट देख कायल हुए सुरेश रैना। शाहिद कपूर अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। एक्टिंग के अलावा शाहिद कपूर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। इसके साथ ही शाहिद कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म जर्सी की रिकॉर्डिंग में बिजी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में वो एक क्रिकेटर की भूमिका भी निभाने वाले हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर टीम इंडिया क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपना रिएक्शन जारी किया है। एक्टर शाहिद कपूर अपने इंस्टाग्राम पर जिस वीडियो को उन्होंने शेयर किया है, इसमें वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह शॉट लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सुरेश रैना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बेहतरीन कवर ड्राइव है दोस्त, और तुम्हारा हेड पोजीशन भी एकदम सही है। फिल्म के लिए शुभकामनाएं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, ब्रजेश तिवारी, सैयद हुसैन, मोहम्मद सरफराज, उदय कुमार, प्रवेश प्रियदर्शी, दिनेश कुमार, रणधीर, राकेश वर्मा, पिंटू कुमार शर्मा, रोहित प्रसाद, सुधांशु राज, कृष्णा कुमार पारित, देविका राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में क्या कामयाब हो पाएगा चुनाव आयोग? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।